अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। राजधानी लखनऊ में जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से ये देश के बेरोजगार युवा लखनऊ में धरना दे रहे हैं। 29 दिनों से इनका आंदोलन तो चल रहा है लेकिन प्रदेश सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले उजागर हुए हैं। सरकार क्या लगता है, सरकार से उम्मीद है कि कुछ होगा? सरकार से तो उम्मीद बहुत थी लेकिन अब तो लगता है बिल्कुल उम्मीद टूट रही है। अब आने वाले अपने जनरेशन से यही कहेंगे कि अब पढ़ाई पे समय ना बर्बाद करें, अपना बिजनेस करें, ठीक है। नौकरी नहीं मिलेगी, एक एक सीट भी की है, ठीक है। दरोगा का हो गया, लेखपाल का आने वाला हो गया, ये हो गया, और यूपी फॉरेस्ट का जो आ रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार गुप्ता है। दुर्गेश जी धन्यवाद। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अजय कुमार जी हैं जो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुनने आए। अजय जी, क्या लगा समस्याओं को सुन के? लग तो ऐसा रहा है कि जैसे सारा सिस्टम, सारी संस्थाएं सब बिक गई हैं और ठेके पे अब काम होने लगा है, जिस तरह से हमारे गुप्ता जी ने बताया। और हमको निर्देश मिला हमारे सांसद जी संजय सिंह जी द्वारा कि आप जाओ, उनकी बातें सुनो, उनकी समस्याओं को सुनो, जिसको हम सड़कों से लेके संसद तक उठाएंगे। और आज माननीय संजय सिंह जी ने यहाँ के जो भी लोग इसको लीड कर रहे थे उनसे बात की है और 22 तारीख को वो यहाँ पे आ भी रहे हैं और हम लोगों ने सारी समस्याएं सुनी हैं और अपने सांसद जी को उन समस्याओं के बारे में अवगत करा दिया है। बड़ा सवाल ये है, 29 दिन हो गए, सदन में बात कब उठाएंगे आप लोग? सदन में बात तो तब उठती है जब क्या कहते हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। आज 29 दिन तक अगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है तभी विपक्षी को आना पड़ता है। विपक्षी जब साथ में आएंगे, आज हमारे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनको अपना नाम तक नहीं लिखना आता उनको नौकरी मिल रही है। तो इस तरह के जो भ्रष्टाचार है इसको हमें खत्म करना है। और आप सोचिए कि इलेक्शन से पहले भर्ती की परीक्षा करा दी जाती है, लोगों को सपने दिखा दिए जाते हैं और उनसे वोट ले लिया जाता है, और आज वोट लेने के बाद भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। और हमारे सारे छात्रों की मांग है SIT की जांच होनी चाहिए, उससे कम में ये मानने को तैयार नहीं है। और ये बात हमने अपने नेतृत्व को बता दी है और वो ये बात संसद में भी उठेगी और सड़क पर भी उठेगी। सर, सड़क से संसद तक आंदोलन आप इनके साथ मिलकर करने वाले? बिल्कुल कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं, इसीलिए हमको निर्देश मिला है और आज हम इनके साथ खड़े हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजय कुमार जी और एक अभ्यर्थी, और कई अभ्यर्थियों से हमने साफ तौर पर बात की कि आखिर योगी सरकार पर जो विश्वास था, सरकार के जो स्लोगन थे कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, और UPSI को लेकर बड़ा घोटाला, बड़ा भ्रष्टाचार सामने भी आया। कईयों ने यहाँ पर रेट लिस्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 20 लाख में दरोगा की वर्दी ले जाओ, वरना देखिए यहाँ पर एक युवा खड़े हैं। सर, कहाँ से हैं आप? सर, हम मिर्जापुर से आए हैं। क्या लगता है, पैसे नहीं थे इस वजह से वर्दी नहीं खरीद पाए? जी सर, बिल्कुल यही कमी रह गई है, पैसे होते तो आज हम भी दरोगा बन गए होते। सर, हमारी 3-4 सालों की मेहनत खराब। योगी सरकार की बात जो है वो सिर्फ बात ही। सर, मेरा कहना है कि सरकार 100 दिन में भर्ती पूरा कराना चाहती है, तो 100 दिन में कूड़ा कचरा भर्ती कराना चाहती है कि फ्रेश भर्ती कराना चाहती है? सर, टारगेट 100 दिन का नहीं होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए निष्पक्ष भर्ती का होना चाहिए। सरकार चाह रही है कि 100 दिन में हम भर्ती करा के अपना जो बोला गया है कि हम दिखा देंगे कि इतने हम इतनी सरकारी नौकरियां दिए हैं, इतनी भर्तियां की हैं। सर, अभी 5-6 साल बीत चुके हैं, 5 साल पिछले बीत चुके हैं, क्या लगता है कोई भी भर्ती हो पाई सही तरीके? बिल्कुल नहीं हो पाई सर, वीडियो में भी यही हाल था, वीडियो में भी सरकार जो है बिल्कुल कैंसिल हो गया, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। सर, तो ये थे हमारे साथ लोग जिनसे हमने बात करने की कोशिश की और लखनऊ के हालात जो धरना स्थल पर इस वक्त हैं वो आपको दिखाने की कोशिश की, जहां पर योगी सरकार पर जो विश्वास था वो इन अभ्यर्थियों का टूट गया। सरकार के दावे और वादे धरे के धरे रह गए, लेकिन देखने की बात है कि UPSIT की जो जांच की मांग की जा रही है आखिर वो कैसे सरकार पूरा करेगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।